हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइमेनोप्टेरा का पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइमेनोप्टेरा इंक्लूडेड है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग हाइमेनोप्टेरा की मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो लेट्स बिगिन। बताया था कि एपोक्रिटा में 4 टिबिये जो होते हैं उसमें 2 स्पर होते हैं, जबकि सिम्फाइटा में 2 स्पर होते हैं जबकि एपोक्रिटा में केवल 1 स्पर पाया जाता है। आइए जानिए। तो ये यहाँ पर एक इंसेक्ट का ये मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि स्ट्रक्चर, ये इसका इंसेक्ट का ये थोरैसिक रीजन है। यहाँ पर ये इसके विंग्स दिख रहे हैं, यहाँ पर ये विंग है, यहाँ पर ये विंग है, और यहाँ पर ये पैड लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़े से ये दिख रहे हैं आपको। दीज आर नोन एज सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो सेंचुरी क्या होते हैं, लोब होते हैं जो ब्लिस्टर लाइक होते हैं, छाले नुमा लोब्स होते हैं जो कि इंसेक्ट के मेटानोटम पे पाए जाते हैं। नोटम क्या चीज़ होती है, वो काइटिनस प्लेट्स जो कि इंसेक्ट की डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। तो जब थोरैक्स पर प्रेजेंट होती हैं तो थोरैक्स, क्योंकि 3 सेगमेंट्स में इंसेक्ट का डिवाइडेड होता है, तो उसको प्रोनोटम, मीजोनोटम एंड मेटानोटम के नाम से जाना जाता है। तो सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, ये ब्लिस्टर लाइक लोब्स होते हैं जो कि मेटानोटम पर पाए जाते हैं, पोस्टीरियर टू मीजोथोरेसिक स्कुटेलम, मीजोथोरेसिक स्कुटेलम के पीछे पाए जाते हैं। और इस प्रकार की इनकी शेप होती है, इन ब्लिस्टर्स की या सेंचुरी की शेप इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से पोजिशनड होते हैं, इस तरीके से रखे होते हैं जिससे कि ये फ्रंट विंग्स के बेस से अटैच हो जाते हैं। फ्रंट विंग्स के जो बेस होते हैं वो इन पर आकर लैच हो जाते हैं, मतलब अटक जाते हैं इस पर, फ्रंट विंग्स के जो बेस होते हैं। कब, जबकि इंसेक्ट रेस्ट पर होता है, उड़ रहा होता है इंसेक्ट तब सेंचुरी का रोल नहीं होता, लेकिन जब इंसेक्ट रेस्ट करता है तो उसके 4 विंग्स सेंचुरी पर आके, इस जगह सेंचुरी पर आके ये वाला 4 विंग इधर आके रेस्ट करता है, और ऐसे ही ये वाला विंग इस सेंचुरी पर इधर रेस्ट करता है। समझ में आ गई। तो यहाँ पर मैंने एक टर्म का नाम लिया कि सेंचुरी जो है वो मेटानोटम पर ब्लिस्टर लाइक लोब्स होते हैं जो कि मीजोथोरेसिक स्कुटेलम के पीछे पाए जाते हैं। अब स्कुटेलम क्या चीज़ होती है ये पता होना चाहिए आपको। तो स्कुटेलम जो है वो या तो मीजोनोटम या मेटानोटम का जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है उस इंसेक्ट के थॉरेक्स पे, उसको हम स्कुटेलम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई। स्कुटेलम वापस बताऊँ, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ आइदर मीजोनोटम और मेटानोटम ऑफ एन इंसेक्ट थोरैक्स इज नोन एज स्कुटेलम। ठीक, तो अब आ जाइए आप। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर एक बीटल दिखाया गया, क्योंकि एक्चुअली में इस पिक्चर में इसका स्पर जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल है। ये एक हनी बी का लेग है जहाँ पर आपको ये स्पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये स्पर, ये रहा। इधर देखिए, इसमें ये कोलियोप्टेरा का बीटल है, इसमें यहाँ पर ये स्पर दिख रहा है, गोला लगाया हुआ है, इस पर ये स्पर दिख रहा है। तो स्पर क्या चीज़ है, 4 टिबिया पर जो स्पर पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बीज होती हैं, कुछ मक्खियाँ होती हैं, बीज जैसे कि बम्बल बीज हैं या माइनिंग बीज हैं, उनके उनमें टिबिया जो होती है, 4 टिबिया जो होती है उस पर स्पर पाया जाता है, जो कि मैंने पहले भी बताया कई सारे काम में आता है, वो पियर प्लांट्स को पियर्स करने के, एंटीना क्लीन करने के, या नुपशियल गिफ्ट के लिए, या रफ सरफेसेस पर चलने के लिए, और कभी कभी हथियार के रूप में भी काम आता है। अब स्पर जो होते हैं वो कई बार टिबियल स्पर जो होते हैं वो नेस्ट की खुदाई करने के भी, नेस्ट बनाने के, नेस्ट खोदने के काम में भी लिए जाते हैं। अब आ जाइए, ये इरियोसिफॉर्म लार्वा मैंने बताया था आपको कि इरियोसिफॉर्म लार्वा सब ऑर्डर सिम्फाइटा में पाया जाता है। इरियोसिफॉर्म लार्वा जो है वो कैटरपिलर जैसा दिखता है, और अधिकांश केसेस में कैटरपिलर ही होता है।
इसकी बॉडी आप यहाँ देख सकते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी है और एक वेल डेवलप्ड हेड कैप्सूल है इसका। ये हेड कैप्सूल बहुत अच्छा डेवलप्ड है और बहुत छोटे छोटे एंटीने हैं यहाँ पर, आपको दिखाई नहीं दे रही है, दो छोटे छोटे एंटीने पतले से। इनमें थोरैसिक लेग्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम ट्रू लेग्स कहते हैं, और एब्डोमिनल प्रो लेग्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके एक बेसिक क्लासिफिकेशन। अब आ जाइए डिटेल पे थोड़ा सा। ऑर्डर हाइमनोप्टेरा इज डिवाइडेड इनटू सब ऑर्डर सिम्फाइटा एंड सब ऑर्डर एपोक्रिटा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड विल गिव यू मोर डिटेल क्लासिफिकेशन। सब ऑर्डर सिम्फाइटा जो है वो जिस क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके अकॉर्डिंग दिया गया, उन्होंने सब ऑर्डर सिम्फाइटा को चार सुपर फैमिलीज़ में डिवाइड किया है। SF is फॉर सुपर फैमिली, चार सुपर फैमिलीज़ में डिवाइड किया है, जिसमें है मिगेलोडोंटोइडिया, सुपर फैमिली टेंथ्रीडिनोइडिया, सुपर फैमिली सिरिकोइडिया एंड सुपर फैमिली सिफोइडिया। इन सभी के एग्जाम्पल जो हैं वो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये मेगालोडोंटोइडिया का जो है एग्जाम्पल है पैम्फीलियस लेट्रियल, टेंथ्रीडिनोइडिया सुपर फैमिली का एग्जाम्पल है निमेटस रिबेसी, सिरिकोइडिया सुपर फैमिली का एग्जाम्पल ट्रीमैक्स कोलम्बा, एंड सुपर फैमिली सिफोइडिया का एग्जाम्पल है सिफस सिंक्टस। ठीक है, इन चार सुपर फैमिलीज में कई सारी फैमिलीज भी आती हैं, जैसे कि टेंथ्रीडिनिडी है, सेरिसिडी है, फैमिली सेफिडी है जिसमें कि सौ फ्लाइज आती हैं, वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। सेरिसिडी में हॉर्न टेल्स और वुड वैस्प आती हैं, टेंथ्रीडिनिडी में अगेन सौ फ्लाइज आती हैं। मिगेलोडोंटोइडिया एक काफ़ी प्रिमिटिव मतलब काफ़ी पुरानी वाली सुपर फैमिली है। ओके, तो नेक्स्ट वी कम टू सब ऑर्डर एपोक्रिटा। अब ये देखिए सब ऑर्डर एपोक्रिटा में आपको अलग अलग वर्कर्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके बिहाफ पर आपको अलग अलग नंबर मिल जाएगा सुपर फैमिलीज़ का। जैसे यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं उसमें ये 13 है, राइट। 13 सुपर फैमिलीज़ हैं इसमें, सब ऑर्डर एपोक्रिटा में दी गई हैं। कुछ बुक्स में आपको 14 सुपर फैमिलीज़ भी मिलेंगी। इन सभी सुपर फैमिलीज़ में अपनी अपनी फैमिलीज़ होती हैं जो कि एक दो या और भी पाई जा सकती हैं। तो सब ऑर्डर एपोक्रिटा जो है इसकी कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं, ये सुपर फैमिलीज़ हैं। इसमें है मिगेलिरोइडिया जिसका एग्जाम्पल है मिगेलायरा शकार्डी, सुपर फैमिली स्टिफेनोइडिया का एग्जाम्पल है डीनियस स्टिफेनस सल्केटस, सुपर फैमिली ट्राइगोनेलोइडिया इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला, सुपर फैमिली सिरेफ्रोनोइडिया एग्जाम्पल कोटिशिया ग्लोमरेटा, सुपर फैमिली इक्नियोमोनोइडिया इसका एग्जाम्पल है रिसा परसुएसोरिया, सुपर फैमिली इवेनियोइडिया का एग्जाम्पल है प्रोसिवेनिया फ्यूसिप्स, सुपर फैमिली प्रोक्टोट्रुपोइडिया का एग्जाम्पल है पेलिसिनस पॉलीट्यूरेटर, सुपर फैमिली प्लैटीगैस्टेरॉइडिया का एग्जाम्पल है ट्राइस ट्रिसोल्कस बेजलेस, सुपर फैमिली साइनिपोइडिया का एग्जाम्पल है डिप्लोलेपिस रोजी, सुपर फैमिली कैल्सिडोइडिया का एग्जाम्पल है हार्मोलिटा ट्रिटिकाई, सुपर फैमिली क्राइसिडोइडिया का एग्जाम्पल है क्राइसिस कोरुलेंस, सुपर फैमिली वेस्पोइडिया का एग्जाम्पल वेस्पा ट्रॉपिका, सुपर फैमिली एपोइडिया का एग्जाम्पल है एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी जिसे बोलते हैं अपन। तो इन सारी सुपर फैमिलीज़ की जो जनरलाइज फैमिलीज़ जो हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वाली फैमिलीज़ हैं, उनमें फैमिली इक्नियोमोनिडी है जिसमें इक्नियोमोन वेस्प पाई जाती है, फैमिली ब्रेकोनिडी है जिसमें ब्रेकोनिड वेस्प पाई जाती हैं, फिर इसमें है आपके फैमिली इवेनिडी जिसमें इंसाइन वैस्प या हैचेट वैस्प कॉमनली कहते हैं उनको, फैमिली साइनिपिडी में गॉल वैस्प पाई जाती हैं, फैमिली कैल्सिडिडी में कैल्सिड वैस्प, फैमिली एगोनाइडी में
एगोनाइडी में ओल्ड वर्ल्ड ब्लास्टोफेगा कैप्रीफर्स कहलाती हैं ये वाली वैस्प। फैमिली टेरोमेलिडी जो है उसके अंदर टेरोमेलस करके इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। फैमिली एफेलिनिडी, फैमिली यूलोफिडी, फैमिली ट्राइकोग्रामेटिडी, फैमिली फॉर्मेसिडी जिसमें एंट्स आती हैं, सारी की सारी फैमिली फॉर्मेसिडी इज एन इम्पॉर्टेंट फैमिली। देन फैमिली वेस्पिडी जिसमें ट्रू वेस्प जो होती है वो पाई जाती हैं। फैमिली स्वेसिडी में सॉलिटरी अकेले रहने वाली वेस्प होती हैं। फैमिली एपिडी होती है जिसमें एपोइडिया की होती है फैमिली एपिडी, जिसमें हनी बीज या स्टिंगलेस बीज, कारपेंटर बीज, ऑर्किड बीज, कई तरीके की बीज आती हैं इसके अंदर। फैमिली मैगाचिलिडी जिसमें लीफ कटिंग बी आती है। तो इस तरीके से इन 13 सुपर फैमिलीज की कई सारी फैमिलीज हैं जिनके एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं सबके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कुछ हाइमेनोप्टरन्स हैं, जैसे ये मीट एंट है, ये देखिए ये सेलिफ्रॉन कर्वेटम एक तरीके की वैस्प है। ये वैस्प देखिए इसकी एब्डोमेन देखिए कितनी पतली है थ्रेड जैसी, इसलिए इसका क्या नाम है थ्रेड वेस्टेड वैस्प, कमर थ्रेड जैसी, थ्रेड वेस्टेड वैस्प। ये तो एनिमेटेड टाइप लगती है, बट दिस इज़ अ वैस्प। देन दिस इज़ अ वैस्प, दिस इज़ हॉर्नेट वैस्प, दिस इज़ अ ग्रेट ब्लैक वैस्प, दिस इज़ अ हॉर्न टेल, दिस इज इक्न्यूमोनिड वैस्प। इतनी बड़ी अपेंडेजेस देखो निकली हुई हैं इसकी, आपको पहचान में आ जाएगी ये। दिस इज़ अ गॉल वैस्प, दिस इज़ अ डिगर वैस्प, आपने नाम सुना होगा डिगर वैस्प आपने, और दूसरे इथोलॉजी में और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी डिगर वैस्प के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस फिनिशेज विद द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइमेनोप्टरा एंड वी आर डन विद ऑर्डर हाइमेनोप्टरा। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने रेफ़र की हैं, एंटोमोलॉजी की सेड्रिक जिलट की, एलिमेंट्स ऑफ एंटोमोलॉजी राजेंद्र सिंह की है, हाइमेनोप्टरन इंसेक्ट फ्रॉम मार्टिन लिंडर, बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स एसी सक्सेना की बुक्स मैंने रेफ़र की हैं। आप चाहें तो आप लोग भी ये बुक्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।